हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में ना मैं आपके साथ ना अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा नाम है सोनाली। जो लोग इस चैनल में न्यू हैं उनके लिए छोटा इंट्रो तो बनता ही है। मैं US में रहती हूँ। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, झारखंड से हूँ, धोनी के शहर से हूँ। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड एंड 7 ईयर्स ओल्ड बच्चे के साथ रहती हूँ। मेरे बेटा का अभी 18 अप्रैल को वो 7 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। तो सुबह की शुरुआत मेरी गर्म पानी से होती है। फिर बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक पे निकल गए। वॉक पे आने के बाद जब मैंने अपना वीडियो खोल के देखा तो पता चला उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया है। फिर से मैंने वीडियो एडिट किया। तो मेरी ये जर्नी ना स्टार्ट होती है एक हाउसवाइफ से यूट्यूबर बनने की। तो मुझे यूट्यूबर बनना है, ये मेरा ड्रीम है। मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगता, मुझे लगता बस मैं अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो मैं अपने पूरी जर्नी को पूरे टाइम देती हूँ उस चीज़ को, अपने काम को। तो जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं वीडियो के लिए करती हूँ। तो मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि मेरी ना लाइफ ही चेंज हो गई है। जब वो बार बार मैंने 4 बार वीडियो एडिट किया, चारों बार पता नहीं क्यों कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। एनीवे गाइस, ये तो हमारी लाइफ में चलती रहती है। तो मैं आपके साथ ना आज कुछ रेसिपी भी शेयर करूँगी। सो गाइस, आज मैंने ना फर्स्ट टाइम गोंद की लड्डू बनाई। तो इसकी रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ। मुझे ऐसी नई नई चीज़ ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये लड्डू बहुत पसंद है। तो मैंने आज घर पर बनाया एंड ये बहुत टेस्टी, बहुत यम बना था। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे कुकिंग का शौक़ है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये नई नई चीज़ें बनाऊँ। तो आज मैं आपके साथ ना पनीर की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, पहले ना मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है। कढ़ाई में मैं डालूँगी बटर, बिकॉज मेरा बेटा ना उसे बटर बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं बटर डालूँगी एंड थोड़े से बिल्कुल ज़रा सा बटर डालना है 1 चम्मच। एंड इस बटर में ना मैं हल्के से पनीर को बड़े बड़े क्यूब में कट कर लिए हैं एंड उसको थोड़ा सेकूँगी, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं, ताकि वो पनीर का टेस्ट खाने के टाइम पे अच्छा आए, बिल्कुल वो कच्चापन ना लगे। उसके बाद मैं ना उसको गर्म पानी कर रही हूँ माइक्रोवेव में ही। गर्म पानी में मैं हल्दी नमक ऐड करके रख दूँगी एंड जब पनीर रोस्ट हो जाएगा तो उस सारे पनीर को उस पानी में डाल दूँगी। उससे क्या होता है ना, पनीर बिल्कुल सॉफ़्ट होता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वो सॉफ्ट होता है। तो देखो मैं पानी में हल्दी या नमक ऐड कर रही हूँ। सो आपको भी अगर ज़्यादा गर्म पानी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में पनीर कड़े हो जाएंगे। तो हल्के से एकदम लुक वार्म वाटर करना है एंड उसके बाद फिर से मैं तेल गर्म करूँगी। पानी कम हो रही थी तो और ऐड करके रख दिया। फिर मैं तेल गरम करके उस पर ना लंबे लंबे प्याज कट करके फ्राई करूँगी। तो आधे प्याज को मैं ग्राइंड करूँगी एंड आधे को ऐसे ही रख दूँगी। एंड मैंने 10 काजू एंड 10 बादाम को पानी में पहले से डाल के रख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला लिया है, जिसमें मैंने जीरा, लौंग, दालचीनी एंड तेजपत्ता डाला है। एंड अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर ऐड किया एंड उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। फिर मैं यहाँ पे अपना एप्रन पहन रही हूँ, क्योंकि तेल के छींटे पड़ते ना, फिर जो पिसा हुआ मसाला है ना उसको ऐड कर दूँगी इसमें। और इसको पीसने समय मैंने 2 चम्मच दही ऐड किया था। दही ऐड करना मत भूलना गाइस। वो वीडियो शूट नहीं हो पाया पता नहीं क्यों। तो अब जो थोड़े मसाले फ्राई हो गए, तो जो अलग से प्याज निकाल के रखा था उसको ऐड किया। फिर कसूरी मेथी को मैंने माइक्रोवेव ही कर लिया, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। एंड देखो अब मसाला पूरा भून गया। अब इसमें नमक ऐड करूँगी एंड ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नमक ऐड करना नहीं, कैप्सिकम ऐड करना। तो कैप्सिकम मैंने कलरफुल कैप्सिकम लिए हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पनीर की सब्ज़ी में कैप्सिकम। आप चाहो तो इसे बिल्कुल हटा सकते हो। एंड अब मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। पनीर ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जिसका वीडियो बना ही नहीं पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर मैंने गर्म मसाला ऐड किया। सो बन गई मेरी सब्ज़ी, ढक के छोड़ दूँगी। साथ ही ना मैं अपने जो भी कपड़े वॉश हुए थे उसको तय लगा रही थी। हम हाउस वाइफ है तो हमें सारे काम करने पड़ते हैं यार। हम कोई काम को इग्नोर नहीं कर सकते, अपना घर ठीक करना, ये करना। फिर हम जा रहे हैं वेकेशन में तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पतिदेव आ चुके हैं मेरे, उन्होंने नौटंकी शुरू कर दी। उनको मैं कह रही थी कि आप सब्ज़ी टेस्ट करो,
वो सुन नहीं रहे थे, फिर आखिरकार वो रेडी हो गए। अब उनका नौटंकी देखना वो बिल्कुल कॉमेडियन है। सो मेरे साथ भी वो बदमाशी कर रहे थे कैमरा लेके, तो मैं गुस्सा कर रही थी कि मेरा वीडियो बनने दो प्लीज़। फिर मैंने लंच किया तोरी की सब्ज़ी जो रात की थी, पराठे एंड मशरूम। सो गाइस सॉरी पनीर, इसके साथ करती हूँ आज मैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे से फिर मिलने आना। बाय।